हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई मेडिसिन रिव्यू के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बिटकोफॉल सिरप के बारे में, जैसे कि इसके यूज़, डोज, बेनिफिट्स एंड साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट वॉच करें, जिससे आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि दोस्तों दवाइयों के बारे में आधी अधूरी जानकारी नुकसानदायक हो सकती है। साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाले सभी लेटेस्ट और नए वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। बिटकोफॉल सिरप डॉक्टर्स द्वारा सबसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाने वाली दवा है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से शरीर में होने वाली खून की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी इसके कई सारे यूजेज हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई पेशेंट है जिसको अधिक कमजोरी महसूस होती हो, थकावट होती हो, शरीर के अंदर चुस्ती और फुर्ती फील नहीं होती हो, काफ़ी थकान महसूस होती हो, तब ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर डॉक्टर्स की ये फर्स्ट चॉइस मेडिसिन रहती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति है जो लंबे समय से किसी अन्य बीमारी से पीड़ित रहा हो और उस बीमारी से ठीक होने के बाद उसे काफ़ी थकावट महसूस होती हो, काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही हो, और कमजोरी के कारण चलने फिरने में दिक्कत हो रही हो, सर में चक्कर हो रहा हो, तब ऐसी कंडीशन में भी ज़्यादातर डॉक्टर इस सिरप को लेने की सलाह देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि कोई लेडीज़ हैं जिसको हाल ही में पीरियड हुआ हो, पीरियड होने की वजह से ब्लीडिंग अधिक हो गई हो, ब्लीडिंग होने की वजह से उसको वीकनेस हो गई हो, ब्लड का लॉस हो गया है, जिस वजह से काफ़ी वीकनेस फील हो रही हो, तब ऐसी कंडीशन में भी उन लेडीज़ों के लिए ये सिरप काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहता है। और इसके साथ ही दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति है जिसको भूख ना लगने की शिकायत रहती हो, मतलब कि उसे भूख नहीं लगती हो और खाना नहीं खाता हो ठीक से, कुछ भी खाने का मन नहीं करता हो, जिसके कारण कमजोरी बन गई हो, तब ऐसी कंडीशन में ये सिरप यूज़ करने के बाद भूख को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऑल ओवर इसके ये 4 से 5 यूजेस थे जो मैंने आपको बताए। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस बेस पर किसी अन्य बीमारी में भी इसका यूज़ कराएं। अब दोस्तों, इस सिरप के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल में जान लेते हैं। जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, 200 ml का ये सिरप आता है, जिसको FDC लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। दोस्तों, बात करेंगे इसके कुछ प्राइस की, क्या इसके प्राइस रहते हैं 200 ml के सिरप के। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं, आप इसको ईज़िली 120 रुपये से लगाकर 130 रुपये में ईज़िली आपके एरिया में किसी भी फार्मेसी स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। और साथ ही आपको दिखाते हैं किस तरह का ये आपको सिरप इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कैप, इस तरह से प्लास्टिक पैकिंग में आपको 200 ml का ये बिटकोफॉल सिरप मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी और सेफ़ पैकिंग में दिया हुआ है। इसके साथ आपको पीने के लिए एक कैप मिलता है, जिसको आप आसानी से इसके अंदर मेज़र करके सिरप को पी सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे जान लेते हैं इसको लेने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, इस सिरप का इस्तेमाल 13 साल से अधिक उम्र वाले लोगों में 5 ml सुबह तथा 5 ml शाम को खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। और यदि आप अपने किसी बच्चे में इसे यूज़ कराना चाहते हैं, तो 5 साल से 13 साल तक के बच्चों में आप इसे 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम को खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। तो आप इस तरह से आपके बच्चों को भी इस सिरप का इस्तेमाल करा सकते हैं। बाकी आपको जिस तरह से आपके डॉक्टर ने बताया है, आप उसी तरह से इसको इस्तेमाल करें। दोस्तों, बात करें अगर इसके कंपोजिशन की, तो ईच 5 ml कंटेंट्स के लिए क्या कंपोजिशन रहता है, तो इसके अंदर फेरस फ्यूमरेट 100 mg की मात्रा में होता है। इसके अलावा एलिमेंटल आयरन जो दिया हुआ है, वो 32.8 mg की मात्रा में। इसके साथ ही इसके अंदर फोलिक एसिड इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 0.5 mg की मात्रा में मिलाया गया है। और इसका जो लास्ट कंपोजिशन है, वो आप देख सकते हैं, साइनाकोवालामिन, जो कि 5 mcg की मात्रा में इसमें ऐड किया गया है। तो इन सभी दवाइयों को ऐड करने के बाद, मिलाने के बाद, इस सिरप को तैयार किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा सिरप है। दोस्तों, वीडियो में जान लेते हैं हम इस सिरप के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी है, तब ऐसी कंडीशन में ये उन सभी पोषक तत्वों वाली रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। या फिर किसी को शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, थकावट रहती हो, तभी उस कमजोरी और थकावट को भी दूर कर देता है। और जिन लोगों के शरीर में किसी और बीमारी की वजह से खून की कमी हो गई हो, तब उस खून की कमी को भी ये सिरप पूरा कर देता है। और जिनकी बॉडी में RBC नहीं बन पाता है, तब ये उन RBC को ग्रो करने में भी काफ़ी हद तक मदद करता है। और इसके साथ साथ ये एनीमिया तथा कैल्शियम की कमी को भी पूरा कर देता है। और कई बार भूख ना लगने वाली कंडीशन में ये भूख को भी बढ़ा देता है। तो दोस्तों, ये थे इस सिरप के बेनिफिट्स।
चलिए वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यदि किसी पेशेंट को होते हैं तो वो क्या क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हल्का बुखार लगना, कमर या बॉडी के किसी भी हिस्से में दर्द की शिकायत लगना, घबराहट तथा उलझन सा लगना, ये या इसके अलावा कोई भी अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट आपको फील हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये सिरप आपको सूट नहीं कर रहा है। तब ऐसी कंडीशन में आप सिरप का यूज़ बंद कर दें। सिरप का यूज़ बंद करने के बाद अपने डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, आगे आपको जैसा भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं आप उसी तरह की मेडिसिन का यूज़ करें। दोस्तों हमेशा ध्यान रहे, किसी भी मेडिसिन का खुद से यूज़ ना करें। सेल्फ मेडिकेशन आपके और आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है, हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज़ करें। तो दोस्तों ये था आज का बिटकोफॉल सिरप का वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर से कर दें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में इसी तरह की नई मेडिसिन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।